सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग। जी हां, राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अलवर में पिछले 3 दिनों से जारी कार्य बहिष्कार हड़ताल के बाद अब सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ शहर भर में रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया, जिस कारण शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। समिति के पदाधिकारी ने बताया कि हमारी मुख्य मांग, जिसमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती मास्टर रोल के आधार पर की जाए, जिसमें 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम कराया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए, वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। पूर्व की जाने वाली भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। मांगे नहीं मानी जाने पर दशा में हड़ताल जारी रहेगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति कुमार सार। सर, ये आज जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, क्या मामला है पूरा? ये हमारा राज्य स्तर पे जो हड़ताल का आह्वान संयुक्त वाली समाज ने लिया है, तत्वाधान में जयपुर में चल रहा है। ऑल राजस्थान हमारे ये हड़ताल के सहयोग में पालिका परिषद निगम सभों में हड़ताल है। हमारी लड़ाई लड़ रहे सरकार से, कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई। सरकार जो हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, हमारे लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है। जो हमेशा भर्ती करते हैं, ये लोग अदर समझ के भी भर्ती कर लेते हैं, वो काम नहीं करते हैं। अपनी ऊंची पोस्टों के कारण कोई कोई ऑफिस में जाकर लग जाते हैं, उनका बोझ भार हमारे लोगों पर पड़ रहा है और सरकार को राजकोष में हानि पहुंच रही है। सरकार आग बीच के बैठी हुई है, फिर भी सरकार नहीं भर्ती करी। उस पर भी अर्डर टिकी हुई है कि साहब भर्ती दो तो आरक्षण के प्रति रोस्टर प्रणाली से क्यों दें। हमारे बुजुर्ग, हमारे पीढ़ियाँ शहर की सफाई करती आई है। 60 साल हमारे लोग नहीं पकड़ते, मिट्टी विट्टी धूल खा के सफाई करते हैं, वो समय से पहले मर जाते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं देती सरकार। और जो ये 2012 की 18 की जो भर्ती है उसको आज तक अटकाए रखी है इन लोगों ने, उन लोगों को रोजगार नहीं दे रही। तो आज क्या किया जा रहा है? आज हमारे नगर निगम अलवर की तरफ से भी आह्वान, हमने जो हड़ताल व्यापी चल रही है अनिश्चितकालीन, उसके संदर्भ में हमने एक रैली का आयोजन करा है। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अलवर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता जागरूक है अपने हक के लिए। जो जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, आवाज दो हमें के।